Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing phrasal verb starting with letter B, and this is part 2 of the phrasal verb series. And this is the weekly schedule of the class, and you can take a screenshot of it. So without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so here is a list of the words, phrasal verbs starting with the letter B. Okay, so the first word is back down, and it has no object. Okay, so what does it mean? It means not follow a threat. ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप मान लीजिए कि किसी के साथ टसल में हो, किसी के साथ आपका विवाद हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप आगे बढ़ने से आप रुक जाते हो. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसका कुछ repercussions होंगे, उसके वजह से किसी न किसी को हानि पहुंचेगी. ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप बैक डाउन कर जाते हो. ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है. तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, टिमी वॉज गोइंग टू कॉल द पुलिस वेन आई टोल्ड हिम आई रेक्ट हिज कार बट ही बैक डाउन वेन आई सेड आई वुड पे फॉर द डैमेज. ठीक है, तो बोल रहा है कि टिमी जो है पुलिस के पास गया और जाने वाला था, ठीक है, मगर मैंने उसे कहा कि मैंने तुम्हारा कार तोड़ दिया है. ठीक है, और ही बैक डाउन वेन आई सेड दैट आई वुड पे फॉर द डैमेज, जब मैंने कहा कि मैं डैमेजेस के लिए पे करूंगा तो उसने बैक डाउन कर दिया. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड है बैकअप, एंड दिस इज विथ नो ऑब्जेक्ट. ओके, सो इट मीन्स मूव फॉरवर्ड, सॉरी मूव बैकवर्ड, मूव इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यू मिस द लाइन्स इन द पार्किंग स्पेस, यू विल हैव टू बैकअप एंड ट्राई अगेन. ठीक है, तो पार्किंग स्पेस में हमेशा देखे होंगे कि लाइन्स बने रहते हैं और कार को उसी के बीच में आपको पार्क करना रहता है. ठीक है, अगर आप नहीं पार्क करोगे तो क्या आएगा, एक गाड़ी आएगा और उसको उठा के लेके चला जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, इसीलिए बोल रहा है कि यू हैव मिस्ड द लाइन्स इन द पार्किंग स्पेस, यू विल हैव टू बैकअप एंड ट्राई अगेन, आपको पीछे करके फिर से ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द पीपल वेटिंग इन द लाइन आर टू क्लोज टू द डोर, वी वोंट बी एबल टू ओपन इट अनलेस दे बैकअप. ठीक है, बोल रहा है कि पीपल जो है जो लाइन में खड़े हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द डोर. ठीक है, और वो डोर नहीं खुल पाएगा अनटिल अनलेस कि आप पीछे हटे. ठीक है, जैसे कि आप जाओगे डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो जनरली इस टाइप का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैकअप, एंड इट इज सेपरेबल. ठीक है, इसका मतलब कि बीच में कुछ ना कुछ आपका आएगा, है ना, या नाउन आएगा या तो प्रनाउन आएगा. ठीक है, तो क्या लिखा है, ड्राइव अ व्हीकल बैकवर्ड्स इन रिवर्स, इसका मतलब ये होता है कि टू ड्राइव द व्हीकल बैकवर्ड्स. ठीक है, तो इसका भी मीनिंग सेम ही होता है जो पहले में बैकअप में हमने देखा था. ठीक है, मगर इसमें क्या है कि पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था और इसमें क्या है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा. तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, यू आर टू क्लोज बैक योर कार अप सो आई कैन ओपन द गैरेज. ठीक है, तो ये बैकअप है और बीच में क्या है आपका, योर कार है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, बैकअप, और ये भी सेपरेबल फॉर्म है, और इसका मीनिंग क्या है, इसका कंफर्म अ स्टोरी फैक्ट और इंफॉर्मेशन. ठीक है, जब आप किसी स्टोरी को फैक्ट या इंफॉर्मेशन के साथ आप क्या प्रेजेंट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बैकअप. ठीक है, मतलब वैलिडेट करते हो कि मैंने जो कथन कहा है या मैंने जो भी आपको प्रेजेंट किया है उसका ये सबूत है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, इफ यू डोंट बिलीव मी टॉक टू डेव ही विल बैक मी. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं कर सकते हो तो आप डेव से बात करो, हो सकता है कि डेव कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा और कोई ऐसा अथॉरिटी का पर्सन होगा जिसके बातों पे लोग विश्वास करते होंगे. ठीक है, तो अगर आप डेव से बात करोगे तो वो मेरी बातों का समर्थन करेगा, मतलब ही विल बैक माई स्टोरी फैक्ट और इंफॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप, और इसका सेपरेबल फॉर्म है, और इसमें क्या है, इसका मीनिंग मेक अ प्रोटेक्शन कॉपी टू यूज इफ देयर आर प्रॉब्लम्स विद द ओरिजिनल. ठीक है, जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये डेटा से रिलेटेड हम इसको यूज करते हैं बैकअप का. ठीक है, जैसे क्या होता है, कभी आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, आप अपने लैपटॉप को बनने के लिए देते हो या कंप्यूटर को बनने के लिए देते हो. ठीक है, तो वो बंदा क्या बोलता है, जो वहां पे जो काउंटर पे रहता है, वो कहता है कि आप अपने जो डेटा है उसको आप क्या कर लो, बैकअप कर लो. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा करना पड़े जिसकी वजह से आपका डेटा जो है आपका लॉस्ट हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, वेन माई कंप्यूटर क्रैश्ड आई लॉस्ट मेनी ऑफ माई फाइल्स, इट्स अ गुड थिंग दैट आई बैक्ड देम अप. ठीक है, तो मेरा कंप्यूटर क्या हुआ, क्रैश कर गया और मैंने बहुत सारे फाइल्स खो दिए. ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये अच्छा बात था कि मैंने उसको बैकअप कर लिया था, मतलब मैंने उसका एक कॉपी कहीं ना कहीं बना के रख लिया था. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, बैग ऑफ, एंड दिस इज विथ नो ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, डिक्लाइन एन इन्विटेशन. ठीक है, आस्क टू बी एक्सक्यूज्ड फॉर फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि मान ली कि आपने किसी चीज के लिए आपने रजामंदी दी होगी कि हाँ मैं ये चीज करूंगा या यहाँ पे मैं जाऊंगा, ठीक है, और फिर आप लास्ट मोमेंट में आप क्या करते हो, आप बैकआउट कर जाते हो, ठीक है, मतलब आप डिक्लाइन कर देते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या वर्ड है, बैग ऑफ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एट फर्स्ट लिली सेड शी वुड बी एट द पार्टी, लेटर शी बैग ऑफ, मतलब शी डिक्लाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है वर्ड, ब्लो अप, एंड इट इज सेपरेबल, ठीक है, और इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेट, ठीक है, मतलब कि फुलाना, ठीक है, हवा भर के फुलाना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, वी नीड लॉट्स ऑफ बैलून्स फॉर द पार्टी, विल यू ब्लो देम अप, ठीक है, तो ये सेपरेट कैसे है, बाय देम, ठीक है, प्रोनाउन से, ओके। नेक्स्ट क्या है, ब्लो अप सेपरेबल है, और इसमें ब्लो अप का यहाँ पे क्या मीनिंग है, एक्सप्लोड, डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोडिंग, मतलब फट जाना, ठीक है, जैसे कि बॉम्ब फट जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, द ओल्ड बिल्डिंग रियली केम डाउन क्विकली, दैट्स बिकॉज द कंस्ट्रक्शन कंपनी यूज द डायनामाइट टू ब्लो इट अप, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेबल किससे है, हिट से, ठीक है, ब्लो अप जो है वो हिट से सेपरेबल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ब्लो अप विथ नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग हो जाता है, सडनली बिकम वेरी एंग्री, ठीक है, किसी बात से आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, या किसी इंस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल में लिखा है, व्हेन आई टोल्ड जेरी दैट आई हैड एन एक्सीडेंट विथ हिज कार, ही ब्लू अप, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी और के कार के साथ एक्सीडेंट करोगे तो क्या होगा, वो गुस्से से फट जाएगा, ठीक है, फट जाएगा मतलब लिटरल सेंस में फट नहीं जाएगा, मतलब गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोन अप टू, ठीक है, एंड दिस इज इनसेपरेबल, ठीक है, मतलब जब भी आएगा तो साथ में ही आएगा। तो इसका क्या मीनिंग होता है, रिव्यू स्टडी थॉरली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, कुछ देर तक आप अच्छे से उसको थॉरली स्टडी करो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, बोन अप टू, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, इफ यू आर गोइंग टू ट्रेवल टू पेरू, यू बेटर बोन अप ऑन योर स्पेनिश, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको पेरू जाना है तो यू बेटर हैव अ गुड कमांड ओवर योर स्पेनिश लैंग्वेज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन इनसेपरेबल फॉर्म में उसको क्या हम बोल सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, सेपरेट समथिंग इंटू कंपोनेंट पार्ट, मतलब किसी का टुकड़ा टुकड़ा कर देना, ठीक है, ओके। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एट द सुपर मार्केट, वेन वी ब्रोक द टोटल कॉस्ट डाउन, वी स्पेंड मोर ऑन क्लीनिंग सप्लाईज देन फूड, ठीक है। तो कह रहा है कि हम सुपर मार्केट में गए और हमने कुछ परचेस किया होगा, सुपर मार्केट क्यों जाते हैं, कुछ परचेस करने के लिए, और जब हम टोटल जब उसको हम ब्रेक डाउन करके हम उसको जब देखते हैं ब्रेक डाउन करके, तो हमें पता चलता है कि हमने खाने की सामग्री पे कम खर्च किया है और क्लीनिंग यूटेंसिल्स पे हमने ज्यादा खर्च किया है, ठीक है, क्लीनिंग सप्लाईज पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक डाउन विथ नो ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग या फंक्शनिंग। जनरली हम ब्रेक डाउन क्या हो जाता है, हमारा कार ब्रेक डाउन हो जाता है, हमारा बाइक ब्रेक डाउन हो जाता है, क्यों, क्योंकि इंजन में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, शेरॉन विल बी लेट फॉर वर्क टुडे, ठीक है, हर कार ब्रोक डाउन ऑन फ्रीवे, ठीक है, कि वो काम पे जा रही थी शेरॉन, बट हर कार ब्रोक डाउन, मतलब खराब हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, फ्रेजर, सॉरी, ब्रेक इन, ठीक है, इसका क्या है, इसको देखा जाता है कि ऑफन इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जनरली देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ भी होता है, कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जहाँ पे मतलब ब्रेक इन का कहीं कहीं ऐसा भी होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रेक इनटू इनसेपरेबल, ठीक है, तो ये ब्रेक इनटू जो है ये इनसेपरेबल फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है एंटर बाय यूजिंग फोर्स, मतलब कहीं पे फोर्सफुली एंटर कर जाना, एंड ब्रेकिंग अ लॉक और विंडो, ठीक है। तो लॉक या विंडो कौन तोड़ता है, या तो चोर तोड़ेगा, ठीक है, रॉबर्स तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पुलिस कहीं गया होगा पेट्रोलिंग में, तो उनको पता चला होगा आतंकवादी है, तो वहां पे दरवाजा तोड़ के वो अंदर घुसा होगा उनको खात्मा करने के लिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया कि एंटर बाय यूजिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जेम्स अपार्टमेंट वॉज बर्गलराइज्ड लास्ट नाइट, सम वन ब्रोक इन वाइल जेन वॉज एट द मूवी, जब जेन मूवी पे गई हुई थी उस समय, देखने के लिए गई हुई थी उस समय, उसके घर में क्या हुआ, अपार्टमेंट में क्या हुआ, किसी ने ताला तोड़ के अंदर घुस गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है इसमें एग्जाम्पल, समवन ब्रोक इनटू जेन्स अपार्टमेंट व्हाइल शी वाज एट द मूवीज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रेक इन सेपरेबल फॉर्म में है, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग होता है वेयर समथिंग न्यू अंटिल इट्स
या दे आर कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब कि कुछ नया चीज पहनिए जब तक कि वो लोगों के आंख में ठीक ठाक लगने लगे, भाने लगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते होंगे कि रणवीर सिंह क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ जोकर जैसा नया नया कपड़ा पहनता है, ऐसा उटपटांग कपड़ा पहनता है जिसको देख के हंसी भी आता है, मगर वो उसको फैशन स्टेटमेंट में बोलते हैं, ठीक है। बट उसको देखते देखते जब सारे लोग जब उसको पहनना चालू कर देंगे उसी तरीके का कपड़ा, तो क्या हो जाएगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, दीज आर नाइस शूज बट दे आर टू स्टिफ, आई होप इट डज नॉट टेक लॉन्ग टू ब्रेक देम इन, ठीक है। ओके, मतलब कि हो सकता है कि वो लोगों को नहीं सुहाए, मगर बोल रहा है कि आई होप इट डजंट टेक टू लॉन्ग टू ब्रेक देम इन, मतलब लोगों को अडेप्ट करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, ऐसा होप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ब्रेक इन सेपरेबल फॉर्म में, तो इसका क्या मीनिंग होता है, ट्रेन, ट्रेन मतलब वो रेलगाड़ी नहीं कह रहा, मतलब ट्रेनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। गेट समवन समथिंग अकस्टम टू अ न्यू रूटीन, ठीक है, किसी न्यू रूटीन से अकस्टम होने के लिए क्या बोल रहा है, आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप अपने बॉडी को अच्छा एक शेप दें, तो आप क्या करोगे, आप जिम ज्वाइन करोगे, ठीक है, ऑब्वियस, तो वहां पे आप क्या करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो वो क्या है आपके लिए एक नया रूटीन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, आई होप आई कैन लर्न माई न्यू जॉब क्विकली, द मैनेजर हैजंट शेड्यूल्ड मच टाइम फॉर ब्रेकिंग मी इन, ठीक है। तो बोल रहा है कि मैनेजर ने मुझे ज्यादा टाइम नहीं दिया है उसको अडेप्ट करने में, ठीक है। ओके, तो ब्रेक इन का मीनिंग हो गया आपका टू गेट ट्रेनिंग, ओके, और टू गेट अकस्टम टू अ न्यू रूटीन, ओके। सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडे सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज, थैंक यू सो मच।